license. कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 मतलब बढ़ते जा रहे हैं इतने सारे लाइसेंस. तो देखो मोर बैठा है. मोर है या मोरनी है? मोरनी है ये. है भाई मोर होगी मोरनी हो तुम? वो भी सोच रही है साला कहाँ सा डस्ट चपा रहा है. मॉर्निंग फ्रेंड्स. सो डे टू है हमारा यहाँ पे और सुबह के अभी बजे है 7. तो लोग चाय लेके आ रहे हैं सुबह सुबह. बहुत ज़्यादा ठंड है एंड इट्स खतरनाक मिस्ट्री है यहाँ पे. रात भर हम लोग सो नहीं पाए दो लेकिन फिर भी इट्स गुड. डे टू स्टार्ट हो गया है और अभी ऐसे थोड़ा सा वॉक करने के लिए आए थे. ये रास्ते में ना अभी ऐसा मतलब पूरा अभी कभी कभी बादल आ रहे हैं अचानक से, कभी अचानक से बादल हट जा रहे हैं. और ये जैकेट, ये मोर के बोलने की आवाज़ है ना, उधर मोर है. तो ये जैकेट मैं लाया था अपने लिए. साक्षी ने बोले कहाँ इतनी ठंडी तो नहीं लगी कि वहाँ पे कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है. मैंने फिर भी एक रख लिया था और वो जैकेट अब इसके पास है. मैं जो नॉर्मल अपना स्वेटशर्ट लाया था अब उससे काम चलाना पड़ रहा है. अच्छी ठंड है, मतलब काफ़ी मस्त ठंड है. यहाँ पर नेटवर्क तो आता नहीं है, वाईफाई है जो कि टूटा फूटा चलता है. मतलब कुछ खास वो ऐसा नहीं है, बट हाँ मतलब गेट अवे होम के लिए ठीक है. अगर आप काम करने की सोच रहे हो तो शायद प्रॉब्लम होगा. मोर देखिए कितने सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं. ये बड़े वाले भी हैं. वाओ कितने सुकून से बैठे हैं सारे के सारे. हम लोग डिस्टर्ब नहीं करेंगे उनको बिल्कुल भी. कहते ये बोर आ गया. मोर के साथ बोर, बोर के साथ मोर. ये क्या है? वही ऑरेंज है. ये जो लगा ये सामने पेड़ पता नहीं क्या है. टमाटर है कि क्या है. जैक फ्रूट कहाँ देखा तुमने? ये आ गया. ये है जैक फ्रूट. दिख रहा है ये है जैक फ्रूट. ब्रेकफास्ट रेडी है. ब्रेकफास्ट में है 2 टाइप्स की चटनी. पूड़ी आएगी अभी, पूड़ी के साथ भाजी, इडली, फ्रेंच टोस्ट, सांबर एंड डोसा. साथ में 2 चाय. सेम मेरा भी है. यहाँ से हमारी प्रॉपर्टी से सिर्फ 200 मीटर्स भी नहीं है. ये एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल है बट बारिश बहुत तेज़ हो रही है, बाहर नहीं निकल पाएंगे. छोटे छोटे बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं यहाँ पे चुके हैं. एक ही जगह कुछ लोग होंगे कहेंगे इसे वाटरफॉल नहीं कहते, पानी बहना कहते. लोग 30th बेंड पे से नीचे गए थे. हमारा जो स्टे था आईबेक्स वहाँ पे और अभी हम लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं इधर. ओ लिलीज, वाओ इतने सारे लिलीज थे. तो हम लोग 40th बेंड पे जा रहे हैं. वहाँ पे वालपराय सिटी है, वहाँ पे जाके देखते हैं. थोड़ा डीजल वगैरह कुछ गाड़ी को रिफ्यूल कराते हैं. वैसे तो है बट ऑन द सेफर साइड फिर भी करा के रख लेते हैं कि जस्ट इन केस हम लोग इधर उधर कहीं घूमने जाते हैं या कुछ भी, क्योंकि बारिश यहाँ बहुत ज़्यादा है तो कोई चांस लेने से अच्छा नहीं है. रोड भी अभी ऑलमोस्ट खाली है, कोई ज़्यादा आना जाना नहीं है. बंसा वाइल एक गाड़ी निकल रही है तो निकल के यहाँ से देखते हैं. और अभी हम लोग ने देखा था कि अभी इतनी बारिश में भी लोग रेनकोट पहन के टी लीव्स वो तोड़ रहे हैं बैठ के, जो यहाँ पे टी एस्टेट्स हैं वो लोग अभी भी काम कर रहे हैं. बाप रे, मतलब कैसे इतनी बारिश में कोई कर सकता है इतना सारा काम. हम लोग तो वही सोच रहे थे. तो ये देखिए 32 out of 40. सही में हम लोग को लग रहा है कि बारिश में हम लोग स्कूल नहीं जाते थे. एग्जैक्टली बारिश में है तो काम तो हो गई, काम नहीं कोई रोक सकता. तो वही सब चल रहा है. फील्ड जॉब है वो सब. ठंड बहुत ज्यादा हो रखी है तो भाई ऊपर से एसी चलाना पड़ रहा है क्योंकि भाई ऊपर से फॉग हो जाता है. हम लोग ने गाड़ी के अंदर भी टेम्परेचर 18 करा हुआ है. फुल फैन है 7 पे
तो बुरी ठंड तो लग रही है। वलपराय रिजर्व यहाँ पे से स्टार्ट होता है। ओ यहाँ पे ब्रेड, अंडा, ऑमलेट, चाय, मैगी मिल रही है। ऐसे ही कुछ ऊपर जाके देखते हैं। वैसे तो अभी बहुत ज़्यादा पेट भर, हम लोग ने ब्रेकफास्ट बहुत हैवी करा है। आपको दिखाया ही था क्या मेरा क्या भाई खाया है। मसाला कितना खाते हो भाई? भाई आप लोग ऐसे घूमने निकलो ना, आपको अपने आप भूख अपने लगेगी। भूख नहीं लगती, मन करता है एक्चुअली कि ये भी खा लो वो भी खा लो। और गरम गरम इतनी अच्छे मौसम में, अगर ऐसे मौसम में कुछ गर्मा गर्म कोई बना के दे दे तो क्या ही बात है। क्या ही घर क्या पे है? तो खुद ही बना के खाते हैं ना, यहाँ पे कोई बना बना दे दे मजा है। प्यारा सा चर्च है यहाँ पे, ये देखिए बहुत अच्छा सा लग रहा है। और फिर चर्च के बगल में है कुछ और भी चीज़, वो है वाटरफॉल। लोग जाके अपनी पिक्चर्स ले रहे हैं वहाँ पे। भाई वो स्लिपरी है यार, मेरे को पता नहीं कैसे जा रहे हैं। मस्त है ये रहा वाटरफॉल। बहुत ही खतरनाक जंगल क्रॉस करके अब हम लोग टी एस्टेट दिख रहा है। ये है टी एस्टेट गार्डन, इधर प्यारा सा स्टैनमो एस्टेट। हम लोग ने सुना है ये सारे के सारे गार्डन्स टाटा ने ऑक्यूपाई किए हुए हैं, टाटा मेंटेन करता है एक्चुअली। तो पता नहीं कितना सच है कि नहीं है। हाँ ये हम लोग ने सिर्फ सुना है, डोंट कोट अस फॉर इट, बट हाँ जंगल खतरनाक है यार। इतने कटहल के पेड़ क्यों होते हैं यहाँ पे, जहाँ देखो कटहल कटहल कटहल। और मेरा फेवरेट, वन ऑफ द फेवरेट सब्जी है कटहल, उसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। कोई तोड़ के दे देना, मज़ा ही आ जाए। लोग आए हैं डीजल डलवाने गाड़ी में, ज़्यादा नहीं HP का ही ले लेंगे। बहुत मुश्किल से, मतलब हम लोग इसी रोड को क्रॉस करके अभी गए हैं, और ये प्रॉपर मार्केट रोड है यहाँ पे। हम लोग करके गए और वापस यहाँ पे आ गए। और ये कुछ टी ट्रेडर्स है, लिया जाए क्या? ग्रीन टी, मसाला टी, चॉकलेट टी, लीफ टी, डस्ट टी, होम मेड चॉकलेट्स। चॉकलेट्स तो नहीं लेना लेकिन हाँ चाय पत्ती ले सकते हैं ज़रूर, देखते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं कुजंकल रिवर, और उसके बाद हम लोग कुछ व्यू पॉइंट्स, डैम्स और ये सब कवर करेंगे। देखते हैं कितना कुछ कवर कर पाते हैं। बाहर निकलने के लिए एक रेनकोट ले लिया है, एक बहुत स्वीट से अंकल थे उन्होंने आके दिया हमें, और उन्होंने बताया कि आगे कहाँ कहाँ क्या क्या है। और टी एस्टेट देख रहे हो आप कितना प्यारा लग रहा है, इतना सुंदर व्यू है। ये कुजाकनल रिवर है और विद टी गार्डन, सो दिस इज़ द व्यू। अभी हम लोग बाहर उतर के देखते हैं, बारिश हो रही है वैसे तो, बट फिर भी लेट्स ट्राई। आगे मैगी भुट्टे मिल रहे हैं, बारिश हो रही है फिर भी कितना मस्त वो लोग काट रहे हैं पत्ती ऊपर ऊपर की। ये देखिए आई डोंट नो कैसे इतने एफर्ट्स लगा के ये लोग कर रहे हैं, फेक नहीं बहुत सारे लोग हैं। मेरा भी मन कर रहा है जाके करे करे क्या, लेट्स सी। ऊपर से दवा मरेगा हाँ। तो निकलती है पत्ती। अच्छा नहीं, पत्ती के बाद चाय जो दाने होते वो क्या? इस मौसम में मैगी ना खाए ऐसा तो चलेगा नहीं, तो हम लोगों ने कर ली है दो मैगी ऑर्डर और खाएंगे मैगी मैगी मैगी। वी आर बिजी ईटिंग मैगी 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 मैगी। कैसा है? ये एक स्नेक है ना, स्नेक है ये, हमारी गाड़ी के एकदम पास में था। शेट मैन, गाड़ी के इधर ही से निकला, कार से निकला क्या? स्नेक 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 स्नेक। मतलब मन ही नहीं हट रहा है, जितना कैप्चर कर पा रहे हम लोग मैक्सिमम हम लोग कर रहे हैं, बट बहुत सुंदर है यार। रियल रियल में देख के ज्यादा अच्छा लग रहा है। ग्रीन है फुल लश क्रीम रहे, बाइसन इनकी कमी थी, ये भी होगा पूरे लिस्ट में। सारे हैं तीन है,
चार हैं एक्चुअली, फुल फैमिली चल रही है, मम्मी पापा उनके दो बच्चे हैं और साथ में प्यारा सा व्यू। ये कश्मीर जैसा नहीं वैली लग रहा है पहलगाम और वहाँ का, वाओ। जो वहाँ पे पहलगाम साइड गए आप लोग बताना कितना प्यारा लग रहा है। बाइसंस कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब बढ़ते जा रहे हैं, इतने सारे बाइसंस। छोटा सा वालपराय सिटी है, इतना ही है, बाकी पूरा टी एस्टेट है। यहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, इनफैक्ट अभी एक, अरे गैलरी अभी एक आंटी से बात हो रही थी जो ये टी लीव्स कट कर रही थी, वो लोग झारखंड के थे, तो आई थिंक ये वहाँ से वर्कर्स को बुलाते हैं काम करने के लिए, तो वो लोग भी यहीं रहते होंगे डेफिनेटली। तो बहुत ही छोटा लेस पॉपुलेटेड टाउन है ये, बट यस इसीलिए शायद इतना सुंदर भी है, लोग कम है सुंदरता ज़्यादा है। सो अभी हम लोग अपने स्टे की तरफ वापस जा रहे हैं, हम लोग ने चाय वाय पिया था, चाय पत्ती भी यहाँ की खरीदी है और अगेन मिस्टी हो गया है, क्लाउड्स आ गए नीचे, क्लाउड्स ऑल यहीं पे रहते हैं बट हाँ हम लोग ऊपर आ गए, हम लोग फिर से ऊपर की तरफ थोड़ा आ गए और क्लाउड्स भी इधर उधर घूमते ही रह रहे हैं। आप देख रहे हैं मेरी आवाज़ से पता चल रहा है कि हम इधर उधर डोल रहे हैं, गाड़ी में भी सीट बेल्ट पहनी है उसके बाद ही हालत है, जिसके और ऐसे में ट्रक आ जाए तो और टेंशन हो जाता है, बट हाँ जा रहे हैं इस जंगल से, खतरनाक जंगल से निकल के आईबेक्स वापस अपने स्टे पे। वो भी एक अलग जंगल है। हाँ रे वो भी बहुत जंगल जैसा है रास्ता। आज है डे 3 और आज हम लोग फिर से अभी सो के उठे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वर्लपूल डोर लॉक कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं अभी ब्रेकफास्ट करने, ब्रेकफास्ट करके देखते हैं वहाँ पे क्या क्या मिल रहा है। कॉल तो आ गया था 8:45 पे कि ब्रेकफास्ट रेडी है, आज तो हम लोग देर तक सोए हैं क्योंकि हम लोग रात में देर तक वेब सीरीज़ वगैरह देख रहे थे और उसके बाद हम लोग सोए हैं, तो यस लेट तो हो गया। हम लोग कुछ नहीं आसपास, पहले तो वॉक कर रहे हैं, थोड़ी पिक्चर्स उठाई हैं, ली हैं हम लोगों ने, विपुल छाता लेके बैठा है, चल रहा है बट बारिश नहीं हो रही है और सामने प्यारा है, तो हम लोग नीचे वाटरफॉल है, देखते हैं वहाँ तक जा पाते हैं बिना बारिश के कि नहीं, अगर गए तो जरूर अभी जाते हैं। तो हम लोग आ गए इस वाटरफॉल के पास, ये बस पास में ही था, नीचे उतरना तो बहुत इजी है लेकिन ऊपर जाना ही उतना ही टफ है क्योंकि ये पूरा स्टीप चढ़ाई है यहाँ से। आई थिंक हम लोग 3 राउंड नीचे उतर के आए पहाड़ के, तो ये है वाटरफॉल हमारे स्टे के बिल्कुल बगल में।
निकल पड़े हैं अभी कहाँ के लिए, बालाजी टेम्पल के लिए। यहाँ पे बहुत ही एक मान्यता है उस मंदिर की, तो हम लोग ने सोचा आए हैं तो वहाँ पे भी चल पड़ते हैं। और वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। आज हम लोगों को कल से भी ज़्यादा फॉगी दिख रहा है, तो लग रहा है क्लाउड्स तो पूरे नीचे ही है, हम लोग बिल्कुल बीच में क्लाउड्स को चीरते हुए जा रहे हैं। तो विजिबिलिटी आज कल से भी ज़्यादा कम है ना, कल और परसों, परसों था कल उससे ज़्यादा हुआ, आज उससे भी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा डेंस है। विजिबिलिटी इतनी कम है कि फ्लाइट तो घंटा नहीं उड़ती, बट गाड़ी है तो आप चला लो। हाँ, फ्लाइट तो कैंसिल हो जाएगी, ट्रेन भी बिल्कुल स्लो 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 चलेगी, बट हाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग भी जा रहे हैं, देखते कहाँ तक जा पाएंगे। बालाजी के बाद हम लोग का और भी थोड़ा बहुत प्लान है, लेकिन बहुत कितना ज्यादा यार बिल्कुल नहीं दिख रहा नीचे, तो पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कैमरा ना एक्चुअली थोड़ा ज्यादा क्लियर करके दिखाता है, मतलब आंखों से उतना नहीं दिखता है जितना कैमरा देख लेता है। और हम लोगों का ना ये येलो वाला क्या है, येलो रिफ्लेक्टर वाला क्या बोलते हैं इसको, येलो एक फिनिश रहता है ना उसके ऊपर, ब्राइट दिखे, क्या बोलते हैं, कार लाइट जो होती है ना, गाड़ियों की लाइट होती है, उसकी वजह से उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग का येलो फ्रेम वाला वो येलो कोट, येलो कोट का क्या यार याद ही नहीं आ रहा, दिमाग खराब हो गया, येलो कोटेड हम लोग का वो है, ग्लासेस है, तो हम लोग को थोड़ा ज्यादा दिख रहा है विदाउट, अगर वो कोट हटा के अगर ऐसे नॉर्मल लाइट से देखे ना तो बहुत ज्यादा फॉग है, और भी ज्यादा है, मतलब दिख ही नहीं रहा है कुछ भी ठीक से। अभी हीटर चला रखा है मैंने, हीटर चला रखा है 29 डिग्री पे, 29 डिग्री पे चला रखा है, बाहर बहुत बुरी, हीटर ऑन किया हुआ है, विपुल हाथ सेक रहे हैं गाड़ी चलाते चलाते, बहुत ज्यादा मतलब इधर देखो तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, थोड़ा सा विंडो नहीं भी खोलोगे तो भी रहने दो। एक तो यूटर्न इतने है ना खतरनाक, यहाँ पे स्टीप है पूरा, बहुत स्टीप स्टीप यूटर्न है। कैसा लग रहा है ना कांच, इसमें फोन में एक्चुअली पता नहीं चल रहा है, लेकिन अगर ऐसे नॉर्मल आंखों से देखो ना तो लगेगा कि कांच पे जैसे वो नहीं जम जाते हैं, हाँ, वो वैसा हो जा रही है, लेकिन जबकि वैसा नहीं जमा है, बाहरी वेदर ऐसा है कि पूरा वैसा दिख रहा है। निकल पड़े हैं अभी हम लोग इधर की साइड आ गए, आई मीन हमारे स्टे वाला भी वहाँ पे भी कम से कम 5 से 7 होंगे हेपिन, वहाँ पे भी बहुत स्टीप वाले थे वो क्रॉस करके, अब हम लोग यहाँ मेन रोड पे आ गए, काइंड ऑफ मेन रोड बोल सकते हैं। सो एक पहाड़ छोड़ के दूसरे पहाड़ पे आए हैं, दूसरे पहाड़ से तीसरे पहाड़ पे हम लोग को चढ़ना है, तो ये दूसरे पहाड़ के 31 out of 40 हेपिन बेंड पे हैं। बारिश भी शुरू हो गई अब तो तेज, हम लोग होप कर रहे हैं कि जिस साइड जा रहे हैं वहाँ पे थोड़ा क्लाउडी कम हो, क्योंकि कल उदय की साइड थोड़ा कम था, कंपैरेटिवली काफ़ी क्लियर था वहाँ पे, और बारिश भी वहाँ पे कम हो रही थी। आज तो कुछ नहीं दिख रहा है, आज तो कल से बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी गायब है, ध्यान से देखना पड़ रहा है पूरा, बिल्कुल आगे चिपक के चलाना पड़ रहा है, चिपक के चलाओ, चलाओ और ध्यान से देखो, बोले तो हम रेनकोट पहन के ऊपर बैठे बाहर निकल के, जिस हिसाब से है ना रास्ता कोई भरोसा नहीं है, इसलिए आराम से बाहर बैठ के चला सकते हैं। ये देख रहे हो कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे दो बाइक्स खड़ी है, एक कल भी देखिए साइड दो बाइक थी, बट बाइक वाले नहीं दिखते, वो ऊपर डांस कर रहे हैं बारिश में। ये जो आंटी लोग और ये लोग जो जा रहे हैं ना, ये यहाँ के लोकल्स हैं, ऊपर अभी घर बने हुए थे कुछ, वहीं पे शायद जा रहे हैं, तो ये यहाँ पे वर्कर्स हैं, ये जो टी एस्टेट के जितने भी वर्कर्स हैं ना, ये यहीं पे रहते हुए हैं, तो वो पूरा टीन शेड का है, एक एक छोटा छोटा कंपार्टमेंट टाइप सबको मिला हुआ है, उसी पर मस्त रहते हैं। बट हाँ ठंड के हिसाब से वो भी बहुत ऐसे है ना कि आई डोंट नो ठंड में कैसे ही काटते होंगे वो लोग यहाँ पे, ये देख रहे हैं बड़े ही बाबा, ये लोग व्यू ले रहे हैं, ले लीजिए व्यू कैप्चर कर लो आप लोग, यहाँ पे कुछ लोग बारिश से बचते हुए, यहाँ पे कपल है, आज कुछ कपल्स ज़्यादा दिख रहे हैं, क्यों क्या बोलते हो आज, तो वहाँ पे विजिबिलिटी मच बेटर है, वही है ऊपर से 5 किलोमीटर नीचे आ जाओ सब सही है, बहुत बेटर है यहाँ पे तो, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है,
जिस लेवल का विजिबिलिटी हम लोग देख के आए ना, उससे तो पार बेटर है। ये जो एक रूट था, मतलब वालपराई जाने से पहले ही एक लेफ्ट था जो बालाजी टेम्पल स्पेसिफिकली लिखा था, तो इस रोड में ऐसे भी मतलब कुछ ज्यादा लोग है नहीं, हम ही लोग जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बालाजी टेम्पल है तो यहाँ पे जाके देखते हैं मंदिर किधर है। कुछ तो कोई स्टेट है उसके अंदर है एक्चुअली वो मंदिर, तो मैप भी नहीं चल रहा है। मैप में हमने घर पे देखा था थोड़ा सा, बट एग्जैक्टली क्या है कैसा है कुछ भी नहीं पता। चूड़ी छोड़ के लोगों को इधर आना चाहिए। सबसे बेहतरीन चीज ये है ना कि ये अनटच्ड है, अभी भी इतने कमर्शियल और वो सब चीजें नहीं मिलेंगे, कमर्शियलाइज हो नहीं, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल है। एंड द बेस्ट पार्ट इज वलपराई का दूसरा साइड तो फिर भी थोड़ा बहुत कमर्शियलाइज हुआ है, बिकॉज वहाँ पे वही एक छोटा सा सिटी है, वहाँ पे काफ़ी होम स्टेज और सब कुछ है, बट कंपेरेटिवली कोडाई कनल और उससे बहुत कम है यहाँ पे। और इस पार्ट ऑफ वलपराई टच ही नहीं हुआ है, ये तो बहुत ही खाली है अभी भी, क्यों यहाँ पे होम स्टेज भी लिमिटेड है, हार्डली 4-5 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। वलपराई सिटी में आपको मिलेंगे काफ़ी होम स्टेज, वहाँ पे तो बहुत है, या फिर अगर आप प्राइवेट प्रॉपर्टी या रिजॉर्ट है तो वो सब ऑप्शन है, बट काफ़ी कम है। ये बहुत प्यारी जगह दिख रही है, कॉफी शॉप भी है। हाँ, यहाँ पे आएंगे, एक छोटा सा होमस्टे देखा तो ग्रीन है, इतना ग्रीन नहीं देखा था बहुत दिनों से, ग्रीन है मतलब पूरा ही ग्रीन है, यही होगा ये क्या टेंपल, यही होगा, ब्यूटीफुल है पूरा ग्रीनरी के बीच में। चल के देखते हैं मंदिर भी। जो बालाजी टेम्पल वाला रोड जो है ना, ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब वालपराई सिटी और वो सब तो है ही ब्यूटीफुल, बट यहाँ पे आपको क्या मिलता है ना कि यहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये मेन रोड नहीं है, और यहाँ पे जैसा व्यू देखो, ये दूसरी तरफ पूरा एंड से बहुत ऊपर तक है और ये नीचे पूरा आपका पूरा दिखेगा, और उधर एक वाटरफॉल। सीनरी के हिसाब से तो मेरे को लगता है कि ये वाला बेस्ट है, मतलब यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए इस रोड पे इंस्टेड ऑफ उधर जाने के। और अभी फिर से बारिश शुरू हो गई है, फिर से अंदर भागना पड़ेगा, रह रहे के बारिश हो रही है। इतना प्यारा एक वहाँ पे चर्च है, एंड अगेन वाटरफॉल, और ये एक मंदिर है, ये है अन्नाई वेलंकनी श्रीन संडे हॉली, अच्छा श्रीन दैट इज वो है संडे हॉली मास एट 12 PM। ना सुंदर है यार, सुंदरता भर भर के है, कूट कूट के है। सो मंदिर तो बंद हो चुका है, मंदिर का टाइमिंग है 9 to 12 मॉर्निंग, और इवनिंग में 3 to 5 PM, तो मंदिर का ये टाइमिंग है, तो हम लोग मंदिर तक जा रहे हैं, हाथ जोड़ के एटलीस्ट आ जाएंगे, अब यहाँ तक आए हैं तो आनी चाहिए ऐसा लगता है। तो यस, और ब्यूटी आप देख रहे हो, वो ग्रीन में बीच में पिंक फ्लावर्स, कितना प्यारा लग रहा है, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी है यार यहाँ पे, कौन नहीं आना चाहेगा। हम लोग वो वहाँ नीचे से आए हैं, ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ से आए हैं, यहाँ पे एक टर्न है, यहाँ पे ये आपको एक बोर्ड भी मिलेगा, श्री बालाजी टेम्पल करमलाई टी एस्टेट, और यहाँ से आपको ऊपर की साइड जाना है, ऑफ रोडिंग है फुल, कैसे जाएंगे, हालांकि ऊपर दूर एक आदमी दिख तो रहा है, हम लोग भी जाके देखते हैं कैसा रहेगा यहाँ पे हिसाब। ये मंदिर ना वो कर रहा है छुपा छुपा ही, कहाँ है रे मंदिर, और रास्ते कितने खराब है यार, आगे देखो पूरा खतरनाक है, एक तो इतनी पतली रोड वो भी इतनी खराब। अब तो हम लोग यहाँ आ गए, अब हमारे साथ प्रॉब्लम है, हम लोग को वापस जाने के लिए भी ऊपर तक जाना ही पड़ेगा, ये नीचे है ऊपर मंदिर है, कहाँ रे, कुछ तो झलक दिख रहा है कम से कम, यहाँ पे बंद है गेट तो कोई मतलब नहीं है, जा ही नहीं पाएंगे अभी, यहाँ से भी बहुत ऊपर है टेम्पल, तो हम लोग क्या करेंगे, वापस जाते हैं और क्या। यार बहुत बढ़िया रास्ता था, अगर आप टाइमिंग्स लेके आओ ना, तो अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर आना, देखते हैं कल फिर से ट्राई करेंगे चेकआउट के वक्त,
पॉसिबल हुआ तो आएंगे, पॉसिबल क्या, इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग। बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि थोड़ा मुश्किल हो जाता है टाइम मैच कर पाना आजकल। यहाँ पे किसी एक जगह पे आए हैं, वहाँ पे विपिन चिकन बिरयानी खा रहा है। क्या ट्राई कर रहे हैं कैसा है? हाँ ट्राई कर रहे हैं कि कैसा है। खुशबू तो अच्छी आ रही है, कैसा है, हाउ इज द टेस्ट? ठीक है, इट्स नॉट लाइक हैदराबादी दम बिरयानी, बट डेफिनेटली नॉट। बिरयानी कैसा था आपका? बिरयानी वाज गुड, इट वाज मोर लाइक ये जो अंबूर बिरयानी होता है ना, उस टाइप का थोड़ा सा मतलब टेस्ट आया। अंबूर बिरयानी? अच्छा। अंबूर बिरयानी, हाँ, मतलब उतना भी कुछ खास मेरे को नहीं लगा, अंबूर बिरयानी से बेटर होता है। स्मेल अच्छी थी, बट पता नहीं चिकन भी उतना कुछ खास वो नहीं था, टेंडर, बट ठीक है, मेरे को ट्राई करना था, मैं ट्राई कर लिया बिरयानी पॉइंट। और सिर्फ 150 का था और एक के लिए सफिशिएंट था, राइट? मोर देन सफिशिएंट। ताकि अब मेरा वेज का होगा, एक बार ही सोच रहा नीचे जाए या बारिश हो रही है पहले खा ले, पहले खा ले यही बगल में और फिर नीचे जाते हैं। हम लोग शोलिया डैम सोच रहे थे, बट अब सोच रहे कि नहीं जाते हैं शोलिया डैम। क्यों? क्योंकि अलिया डैम, शोलिया डैम सब दोनों एक जैसे ही हैं। मतलब हमने फोटोज में देखा, उतना भी कुछ खास वो नहीं है, मतलब इट्स ओके, अच्छा बड़ा डैम है वालपराय का, काफी बड़ा है, बट जो व्यू ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं ना वो ज्यादा बेहतरीन है। मतलब नालामुड़ी व्यू पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी वही क्रॉस किए हैं, नॉट एग्जैक्टली था नालामुड़ी, बट हाँ हम लोग ने वो क्रॉस किया, तो उसकी जगह कुछ और नीचे हम लोग ग्रास हिल्स और ये सब देख लेते हैं। ग्रास हिल्स अभी एक्चुअली आए हैं, अक्का मलाय से आए हैं अभी हम लोग, वो व्यू पॉइंट भी हम लोग ने कवर कर लिया, तो बहुत सारे पॉइंट्स कवर करके नाउ वी आर थिंकिंग कि एक बार नीचे जाते हैं, थोड़ा नीचे का भी व्यू फिर से लेते हैं। वो ग्रीनरी है, वो बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पे कल, फोटोज बहुत फोटोजेनिक एरिया था, वरना अपने स्टेट पे वापस जाते हैं। उसका तो अलग ही लेवल व्यू पॉइंट है अपने स्टेट में जाने में, वो स्टे ही बहुत खतरनाक है। हाँ, इससे पहले कि बहुत ज्यादा फिर से क्लाउडी हो वैसा हो, अपन निकल जाएंगे। देखो मोर बैठा है, मोर है या मोरनी है? मोरनी है ये, है भाई, मोर होगी मोरनी हो तुम, वो भी सोच रही है साला कहाँ जाके डस्ट अप आ रहा है। एक पॉइंट मिला है वहाँ पे हम लोग आ गए हैं, ये होटल होमली फूड ओनली, यहाँ पे देखते कुछ खाने को ठीक सा मिलता है तो कुछ खा लेते हैं हम, थोड़ा बहुत भूख बहुत ज़्यादा नहीं है, बट फिर भी मौसम को देख के ना मंचन करने का मन कर जाता है, क्या करें, आदत से मजबूर। बारिश हो रही है, ये हम लोग ने एक मैगी नीचे जाके खाई ना, जहाँ पे आपको दिखा था स्टे रुका अभी जहाँ पे हम लोग, उसके बाद मेरा ना फिर से मैगी खाने का मन कर गया, क्योंकि मौसम इतना ज़्यादा अच्छा है, बाहर आप देख रहे हो कुछ नहीं दिख रहा है और अंदर मैगी है, गर्मा गर्म वेज मैगी। कैसी है? बहुत अच्छी है ये चाय, पीने में एक्चुअली मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत ही खतरनाक है। चाय का कलर देखिए कितना तो प्यारा है, मतलब लग रहा है कि चाय को अच्छे से पका के लेके आए, और ये भी वन ऑफ द यहीं के टी एस्टेट का है, क्योंकि इन लोगों से पूछा हमने 3-4 जगह, तो वो लोग ये जो टी एस्टेट्स होते हैं वो लोग ही इनको चाय पत्तियाँ देते हैं पैकेट में, और जो वो सेल करते हैं उसी का वो बनाते हैं, पहले सैम्पल आपको दिखाते हैं फिर वही वो बेचते हैं। और हम लोगों ने चाय पी के पूरा एकदम ये हो गया, कुछ नहीं दिख रहा आगे, स्टीम बन गया। अभी गाड़ी शुरू करेंगे तो फिर दिखेगा। ये है विजिबिलिटी, अभी 3:30 बजा हुआ है, और इसीलिए यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल है कि 5 बजे के पहले आप चेक इन कर लो, चेक पोस्ट क्रॉस कर लो, क्योंकि दो रीजन से, एक तो यहाँ पे विजिबिलिटी जीरो हो जाती है जो अभी से ही हो चुकी है, और सेकेंड रीजन है यहाँ पे एनिमल्स पासिंग शुरू हो जाता है, तो बहुत ही स्ट्रिक्टली हमारे एयरबीएनबी में भी लिखा हुआ है इस एरिया के लिए, इस लोकेशन के लिए, और इनफैक्ट यहाँ के लोकल्स भी वही रेकमेंड करते हैं, इट्स बेटर कि ये टाइम पे क्रॉस कर लो, दुर्घटना से देर वाली, और जल्दी चलो तो बहुत ही अच्छा है। पास नहीं है तो देख लीजिए आप खुद ही, दिख रहा है क्या इतना, वो 2 मीटर के डिस्टेंस में मत बोलना, आगे का देखो आगे का, खतरनाक। ऐसे किसी ड्राइवर को ड्राइव करते देखा है भाई? फॉग में ना कुछ नहीं था, पीछे ऐसे बैठे थे ना कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसे चढ़ा हुआ और ऐसे शार्ट टर्न्स है ना यहाँ पे, इसमें ऐसे देखना पड़ता है भाई, आगे से गाड़ी आ रही है, नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहा है,
मेरे को लगता है ना ओमनी वाले सही में मस्त बैठे होते, एकदम आगे बैठे होते ये सब। देखो कुछ नहीं, अबे पूरा गायब हो गया बे। ओ वाओ पूरा पानी भर गया था। तो शिट यार, कल क्रॉस किए थे पूरा रोड पे पानी नहीं था। इधर गड्ढे भी हैं, गड्ढे तो हैं, मतलब बारिश इतना हो रहा है कि पूरा पानी भर रहा है। एक छोटा वाटरफॉल था, एक बड़ा है आ रहा है, दिख भी नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, हल्का हल्का मिल्की जब है वाटर तभी दिख रहा है। हाँ अभी थोड़ा सा दिखा पास है। तो चाय टाइम, कॉफ़ी टाइम। हम लोग ने आज लिए कॉफ़ी, साथ में हम लोग ने यहाँ की लोकल बेकरी शॉप से ये काइंड ऑफ केक्स लिए हैं। तो विपुल का बहुत मन था तो हम लोग अभी खा के देखते हैं कैसा है, फिर अगर अच्छा लगा तो लेके चलेंगे क्या थोड़ा बहुत रास्ते के लिए, तो ले ही सकते हैं। वैसे बहुत दिनों बाद देखा, बट हमारे साइड में मिलता था ये, बट ये वाला केक अच्छा पता नहीं, देखते हैं यहाँ वाला कैसा है। ओके चलो कॉफ़ी ठंडी हो इससे पहले हम लोग पीते हैं फटाफट से कॉफ़ी के साथ। इससे अच्छा कोई व्यू होगा? देखो मोर भी इधर देख रहे हैं, मोर नहीं है ना ये। थोड़ा थोड़ा सा ऑफिस का काम कर रहे थे, मूवी देख रहे थे, साथ में टीवी ऑन कर लिया है। अभी हमारा डिनर आ गया है। डिनर में क्या है? कढ़ाई वेज, ओके फुल्का है, फिश फ्राई, फिश करी, फिश करी, एंड मेरा कढ़ाई वेज है। ये फिश है या ये फिश है? ये वेज कढ़ाई है, ये फिश है। ओके एंड साथ में प्लेन कर्ड है, प्लेन कर्ड ते हैं। और आज का दिन उसके बाद मूवी या वेब सीरीज देख के ख़त्म करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है फोर्थ डे और आज हमारा चेकआउट वाला डे भी है। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और ब्रेकफास्ट करके फिर से हम लोग ट्रैकिंग करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। और ये देख, वेदर उतना ही प्यारा है, मिस्ट्री है पूरा। यहाँ पे एक बर्ड है वो विसल जो करती है, बहुत विसलिंग बर्ड, दिख नहीं पा रही है वो फॉग की वजह से, बट बहुत प्यारी सी आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है कोई इंसान सीटी बजा रहा हो वैसी बन के। ईवी चार्जर है यहाँ पे, ईवी चार्ज भी। आज ब्रेकफास्ट में आइटम्स कम है, इडली, ये भाजी है पूरी के लिए, और ये सांबर है डोसा के लिए, एंड साथ में चटनी, एंड साथ में टमेटो अनियन की चटनी एंड कोकोनट चटनी, दैट्स इट एंड द फ्रूट कट्स। और अब ब्रेकफास्ट हो गया है। आज ब्रेकफास्ट में पूरी एंड डोसा सब था, हमने सब खाया। ब्रेकफास्ट में उन्होंने गुलाब जामुन दिया था, हमने गुलाब जामुन भी खाया, इट वॉज टेस्टी, स्पेशल ट्रीटमेंट मिला तो इट वॉज गुड। अभी चाय मैं थोड़ी पी रहा, साक्षी पी रही है और भाई यहाँ पे थोड़ा वॉक कर रहे हैं, कल से तो मिलेगा नहीं। आज स्पेशल ट्रीटमेंट, आज स्पेशल ट्रीटमेंट, कल से है कि आपको ये सब मिलेगा नहीं। क्या हवा चल रही है यार, रोज छाता उड़ रहा है पूरा, कितना फॉग है यार, मतलब सोचो नवंबर दिसंबर में तो हालत खराब हो जाती होगी यहाँ पे, ऐसे ही होता होगा। वाह क्या ताज। सो हम लोगों ने चाय नाश्ता कर लिया है, एक छोटा सा वॉक ले लेते हैं इससे पहले कि हम लोग चेकआउट करें। चेकआउट टाइम वैसे 12 बजे है, अभी 10 भी नहीं बजे, प्यारा सा वॉक ले लेते हैं, इतना प्यारा व्यू दोबारा पता नहीं कभी मिलेगा, कहाँ जाना पड़ेगा, स्टेशन पे मिलेगा ऐसा व्यू और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ। खतरनाक है यार, इधर कॉफी प्लांटेशन है, ये कॉफी प्लांटेशन है यहाँ से पूरा नीचे, वो देखिए वो लोग काम भी कर रहे हैं। और इधर ऊपर भी कॉफ़ी प्लांटेशन है, बीच बीच में अलग अलग ट्रीज है। ये इनकी चाय रखी है, ये लोग बीच बीच में आके यहाँ से चाय पीते हैं, इनको जब बहुत ठंड लगती है
तो ये लोग एक केटल लेके चलते हैं, हमने देखा है ऐसा, देखो ग्लासेस रखे हैं, केटल रखा है, और ये एक छोटू वाला वाटरफॉल देख लेते हैं, बड़े वाले तक नहीं जाएंगे। जाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं लग रहा, वो पुष्पा मूवी का शूटिंग हुआ था, सारा लकड़ी को ऊपर से फेंका गया जंगलों में। हाँ, ऑल सेट टू गो। अभी फॉग थोड़ा कम हो गया है, पता नहीं क्यों, बट हाँ जो भी रीज़न है अच्छा ही है, फॉग कम हुआ है, बारिश लेकिन बहुत तेज़ हो रही है अभी। तो हम जाते हैं चेकआउट के फॉर्मेलिटीज़ करते हैं और फिर निकलते हैं। जाते वक्त फॉग बहुत होता था ना, आज थोड़ा सा क्लियर है फिलहाल, इधर है, आई डोंट नो आगे कितना होगा। हमारा यहाँ का अभी खत्म ट्रिप, अब हम लोग जा रहे हैं, आई डोंट नो कहाँ पे हम लोग स्टे करेंगे, समवेयर नियर बैंगलोर ओनली। आते वक्त तो कृष्णागिरी किया था, जाते वक्त कोशिश करेंगे कि बैंगलोर क्रॉस करके बैंगलोर फिर से बाईपास करें और दूसरी साइड पे जाके रुके, कितना पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है पता नहीं, देखेंगे ट्राई करेंगे और हम लोग आपको भी दिखाते रहेंगे। मतलब बैंगलोर नहीं जाना चाहते अंदर, बहुत ट्रैफिक, अंदर ट्रैफिक में फंस जाएंगे। आते समय तो हम लोगों ने पूरा बाईपास कर दिया था बैंगलोर, और सच बोलो तो मानसून है बैंगलोर, हैदराबाद सब हाई अलर्ट पे है, ऑरेंज अलर्ट पे है फिलहाल चल रहा है यहाँ पे आलम में, तो वहाँ तो पानी वाटर लॉगिंग हो जाता है, यहाँ तो फिर भी वाटरफॉल बन के निकल रहा है पानी जो भी आ रहा है, वहाँ पे क्या होगा हम लोग को पता नहीं है, तो बेटर है कि ट्राई करेंगे हम लोग बाईपास कर दे तमिलनाडु कृष्णागिरी से ही, जो एक दूसरा रूट गया है अंदर के रोड से आए थे वही रोड पकड़ेंगे डायरेक्ट बाहर, वो सैटेलाइट रोड पे पहुंच जाएगा बैंगलोर के, और वहां से फिर बाहर। तो ये मैनेजर था नहीं, वो गया है सब्जियां लेने वाल पर है, तो अभी किसने लिया पेमेंट, तो ये जब आया था छाता लेके, छाता लेने, तो इसी को किसी ने पेमेंट कराया है। पेमेंट कैसे हुआ, गूगल पे या क्रेडिट? उनका एक वाईफाई था हॉटस्पॉट, उसने ऑन किया, उससे हो गया, फटाक से कनेक्ट हो गया। वो कौन सा था पता नहीं, कोई जीके करके था उसका था, तो यही था, इसी का नाम ही है गोपालन, तो हमने कहा चलो ठीक है पेमेंट कर दिया। टोटल हमारा अराउंड 20,000 बिल बैठा है, विच इज़ वेरी लेस, हमको लगता है यहाँ के व्यू और यहाँ की जो क्वालिटी थी सब कुछ को देखते हुए बहुत कम था, मतलब उतना भी ये एरिया नहीं है ना, 3 nights 4 days बहुत ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते ना इधर, थोड़ा कम ही लोग आते हैं, बट दैट डज नॉट इंक्लूड लंच एंड ऑल, और जितना था अच्छा बना, वी एंजॉयड अ लॉट, द ओनली प्रॉब्लम वाज कि नेटवर्क का इशू, वो प्रॉब्लम हम लोग को पता बोला था ना, विजिबिलिटी चली गई, यहाँ पे कुछ नहीं दिखता है भाई, ये पॉइंट में कुछ अलग ही माहौल है, ये हाइट पे है एक्चुअली, बहुत ज्यादा पीक पे है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। ऑन हो ये वाटरफॉल है ना, ये वाटरफॉल भी अभी फर्स्ट डे आए थे तो बहुत स्लो था ये वाटरफॉल, क्योंकि बारिश तब नहीं हो रहा था, अभी डेली बारिश हो रहा है, हमेशा बारिश हो रहा है, देखो कितना भर गया है। अयो बाय 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 टू एवरीवन। हमने सोचा कि एक व्यू यहाँ से दिखाई देता है, बटन उसी से हो जाएगा, आराम से एक हेयर पिन कर्व को 23 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आराम से आप स्लोली, अभी अपने बैरिकेड किया हुआ है, ट्रक आ रहा है सामने से, ये हमारा चेक पोस्ट है, इनको टाटा बाय बाय कर दें, ये हमेशा इतना ही खोलते हैं, मैक्सिमम इनकी लिमिट यही है हमें लगता है, ट्रक के लिए ज्यादा खोलते हैं, ट्रक के लिए ही खोलते होंगे यार, इतनी बारिश में और अंदर पता है इतना गीला गीला है, यहाँ पे सब डैम्प हो रखा है, आई डोंट नो लोग कैसे रहते होंगे,
ऑफ कोर्स उन लोग को भी प्रॉब्लम होती होगी, बट यहाँ पे वही है अपने जुगाड़ हो जाते होंगे। 3 महीने कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे बारिश ही होती है, कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा कि बारिश ना होने का। यहाँ पे हम लोग वहाँ ऊपर से आ रहे थे, अभी यहाँ पे हैं, चले जा रहे और चले जाएंगे। ये रास्ते में ये ट्रक खड़ा हुआ है और ये लोग ऊपर से आई थिंक जो पेड़ लटक रहे हैं ना टहनियाँ, उनको कट कर रहे हैं शायद। उनका काम ही है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे या जिनको भी प्राइवेटाइज किया होगा वो लोग आके काम कर रहे हैं। ऐसे हम लोग को रास्ते में कई जगह मिले हैं, डेली मिल रहे थे, तो वो कट कर रहे हैं या लकड़ी रास्ते में टूटी हुई पड़ी है, क्योंकि यहाँ पे पेड़ टूट टूट के नीचे भी गिर रहे हैं, बहुत बार मिले हैं, तो सब उठा लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, रोड क्लीन करते रहते हैं टाइम टू टाइम। ये जो पत्तियाँ साइड पे ये सब क्लीन हो जाती हैं, आई थिंक डेली करते हैं। अभी कौन कौन सा एरिया डेली थोड़ा थोड़ा एरिया पकड़ के करते रहते हैं। हमको दांत दिखा रहा है। ए मॉन्की ये हमारा अलियार डैम है, उसका हम लोग ने टॉप व्यू कैप्चर किया है। नीचे से इतना क्लैरिटी भी नहीं आएगा, बट यहाँ से इतना प्यारा लग रहा है। सामने बंदर कहाँ है? वो देखो यार, हमें बंदरों से ना बहुत डर लगता है। वो देख कितना शराफत से आ रहा था, धीरे से मेरा फोन खींचता और चला जाता। चलो अभी हम लोग यहाँ से चेकआउट कर रहे हैं कम्प्लीटली, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व पोलाची। टेम्पल ऑफ कॉन्शियसनेस, यहाँ पे योगा मेडिटेशन सेंटर है। ये अलियार एरिया है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे अलियार डैम है। कुछ काइंड ऑफ यहाँ पे होटल्स हैं। नींबू पानी पी लेते हैं। यहाँ पे एक क्विक सा ऑरेंज जूस ब्रेक लिया हम लोगों ने, फटाफट से जूस पिया, पी के वापस निकल रहे हैं। यार जूस कितना फ्रेश था, मस्त था, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना बढ़िया वाला होगा। एंड एक और अच्छी चीज़ है, हम लोग ने ऑब्जर्व की यहाँ पे फीमेल वर्कर्स को बहुत प्रमोट किया जा रहा है, फीमेल ज़्यादा है। मतलब अभी तक हमने बहुत रेयरली देखा है कि जूस काउंटर में जूस बनाने के लिए फीमेल, मतलब कैश काउंटर पे फीमेल है। कैश और ये पूरे ना गवर्नमेंट क्या लगता है, पता नहीं गवर्नमेंट है क्या, गवर्नमेंट नहीं होगा, बस तो रुकी थी। हाँ गवर्नमेंट बस रुकी थी यहाँ पे, हालांकि ऑपोजिट साइड पे भी है, वो लोग कट फ्रूट दे रहे हैं। कट फ्रूट खाने का मन नहीं था, जूस पीने का मन था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए, उनके पास जूस नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अभी आ चुके हैं पोलाची सिटी में, पूरा जंगल क्रॉस करके अलियार डैम, पूरा अच्छा वाला ग्रीन एरिया छोड़ के अब हम लोग सिटी में एंटर कर चुके हैं। बहुत क्राउडेड है, छोटा सा सिटी है बट भीड़ बहुत है। यहाँ से हम लोग ने मैप लगाया अभी कृष्णागिरी का, जो कि 6:30 पे इवनिंग पहुँचा देगा, तो हम लोग सोच रहे हैं कि इतनी जल्दी पहुँच के भी क्या ही करेंगे, इससे अच्छा है कि थोड़ा आगे निकल चलते हैं, कृष्णागिरी भी क्रॉस कर लेते हैं, और क्रॉस करके नंदी हिल से चिकबलापुर साइड कहीं पे स्टे लेते हैं, आज रुकेंगे वहाँ पे, रुकेंगे। कल का जर्नी इजी हो जाएगा हमारे लिए, कल के लिए इजी हो जाएगा, आज अभी इतना हेक्टिक कुछ है नहीं, अभी नॉर्मली लग रहा है। आई थिंक 6:30 बहुत जल्दी है, तो उससे बेटर है कि वो जो अंदर वाला जो रास्ता था पतला वाला वो निकाल लेते हैं, शाम के टाइम ट्रैफिक भी वहाँ पे कम होगा तो इजी होगा निकालना हमारे लिए। फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट 4 दिन बाद हम लोग धूप देख रहे हैं। अभी ये ज़्यादा धूप, तेज़ धूप नहीं है बहुत, बट ये बहुत अच्छी लग रही है। पैर में मेरे हल्की सी जो पड़ रही है ना, वो झनझन टाइप्स वाली हो रही है, अच्छा लग रहा है धूप में। सोचिए वहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, मतलब वहाँ पे बोला उसने कि 3 महीने कॉन्टिन्यूसली सिर्फ बारिश ही होगी वहाँ पे, और कोई धूप ऊप नहीं आएगी, 3 महीने बाद अब सीधे दिखेगा उनको धूप, तो भगवान जाने कैसे रहते होंगे। यूज्ड टू हो जाते होंगे डेफिनेटली, बट फिर भी हेल्थ को कितना इफेक्ट पड़ता होगा इन सबका। सो धूप तो निकल आई है, तो हम लोग ने यूटिलाइज कर रहे हैं हमारा सनरूफ, अब फायदा हो रहा है उसका भी, पहली बार मतलब सनरूफ का यूटिलाइज। पीछे धूप पड़ रही है ना, कुशन में मेरा रेनकोट रखा है, सब रखा है, मतलब हम लोगों पर पड़ रही है तो बढ़िया ही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं हम लोग ये कोवई बेक्स ओवन फ्रेश में, वॉशरूम भी यहाँ पे ठीक लग रहा है, तो इधर ही जाते हैं, कुछ चाय स्नैक्स लेंगे, भूख तो नहीं है आज, तो हम लोग सोच रहे हैं ऐसे कुछ चाय स्नैक्स वगैरह ले लेते हैं।
हम लोग खाने की जगह चाय और ये मशरूम पफ है। इतनी तेज आवाज आ रही है कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ये मशरूम पफ हम लोग ने लिया है। तमिलनाडु के रास्ते और तमिलनाडु में इस समय जो मौसम होता है ना मानसून के टाइम पे, कितना प्यारा लग रहा है। मतलब बादल इतने अच्छे खुल के दिख रहे हैं चारों तरफ। एक तो काले बादल आ चुके हैं, मौसम भी है। हम लोग चार घंटे हो गए हम लोग को ड्राइव पे, 4.5 घंटे हो चुके हैं एक्चुअली, ऑलमोस्ट 5 होने वाले। थकान नहीं हो रही अभी तक बिल्कुल भी, बहुत ही रिलैक्सिंग है। ऐसे लग ही नहीं रहा कि हम लोग 4.5 घंटे से गाड़ी पे बैठे हैं। हालांकि हम लोग ने 2-5 मिनट के ब्रेक ले ही लिए, लेकिन फिर भी मज़ा आ रहा है। तमिलनाडु इस मामले में बहुत अच्छा, ऊपर से ये कोकोनट ट्रीज जो है ना एक अलग ही वाइब देता है, प्यारा सा लगता है। देखिए चारों तरफ कोकोनट ट्रीज है, खजूर के पेड़ हैं, आइस एप्पल वगैरह, इन सब के पेड़ मस्त लगते हैं देखने में। यहाँ पे ये फ्रूट्स है कुछ, प्लम वगैरह, और इसका नाम नहीं पता बट बहुत टेस्टी होता है, लाइक लीची होता है, जामुन होता है। तो हम लोग ये सब ले रहे हैं यहाँ मैडम से, और साथ में अमरूद मसाले वाला। विपुल को अमरूद खाना था, है एक दो ना कट तोड़ के। ये बहुत कैसा है, मीठा है कि कच्चा है? कच्चा होना चाहिए था, ये ज्यादा। ओ, हमने अपने हिसाब से मीठा पक्का वाला उठाया था क्योंकि हमें पक्का अच्छा लगता है। जामुन वाला मतलब एक्चुअली ना उसको वो नमक लगा के रखना था, वो वाला टेस्टी लगता खाने में। नमक, काले नमक डाल के। हां अभी कहीं रुकेंगे तो वो वाला करते हैं। मजा था। और तो बहुत सारे फ्रूट ऐसे थे जो पहली बार देख रहे थे, वो रेड वाला एक बड़ा वाला था, वो पता नहीं क्या था। हां वो उसने बोला कि वो उसमें कोई टेस्ट नहीं होता है। हां बस ऐसे ही खाते हैं। हां और वो जो खट्टा वाला दिया था उसका कुछ तो होता है, उसका मैं नाम पता था, बट बहुत खट्टा होता है इसलिए हमसे नहीं खाया जाता। उसके लोग अचार बना के खाते हैं। हां वो बहुत खट्टा था, मैं ट्राई किया था, बहुत ज्यादा खट्टा। ये स्टॉप बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, आनंदा भवन डेलाइट। ये इसलिए क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ पे, बसेस भी यहीं पे स्टॉप लेती हैं हमेशा। यही इलेक्ट्रिक कार चार्जिंग स्टेशन भी है, बास्किन है, जॉकी है, क्लासिक पोल है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और अच्छी खासी भीड़ भी है। तो हम लोग अभी भी देखते हैं, खाने का तो भूख नहीं है, पता नहीं है, नेवर नो कब क्या मन करता है हम लोग को। तो वॉशरूम जाते हैं फिलहाल तो हम लोग। हमने एक और फिर से ब्रेक लिया था, वॉशरूम ब्रेक लिया था, हमने सोचा चलो कुछ फिर से डाल लिया जाए बॉडी में। तो ये पी रही है लेमन एंड लेमन टी, और मेरा लेमन एंड मिंट जूस। भाई खतरनाक रिफ्रेशिंग है, बहुत अच्छा है जूस तो, खतरनाक है। हाँ बहुत अच्छा है। ये घाट सेक्शन था अभी कृष्णागिरी के पास वाला। भाई यहाँ पे ना ट्रक बहुत स्लो हो जाते, बहुत मतलब बहुत स्लो, बेचारे चढ़ नहीं पाता। जैसे चढ़ाई है आते समय भी मतलब बहुत रिस्की होता है उनका ब्रेक फेल होने का, मतलब जाते समय भी है ना पूरा जिग-जैग होके देखना पड़ता है भाई कौन सा ट्रक स्लो है। कोई तो ऐसे ही ये देखो इतना स्लो जा रहा है लगेगा कि रुक ही गया। अभी तो तीन ट्रक ओवरटेक कर रहे थे एक दूसरे को, तीनों ने ब्लॉक कर रखा था, पूरा लाइन पूरा जाम हो गया था। बहुत धीरे धीरे चलेगा, बहुत चढ़ाई है ना इधर, एक नंबर गियर डाल के सब चल रहे धीरे धीरे। टाइम हो रहा है 6:30 टू बी प्रिसाइज, और हम लोग अभी पहुंचने वाले हैं कृष्णागिरी इन नेक्स्ट 20 मिनट्स। बस 20 किलोमीटर्स और बचा है, और वहाँ पे हम लोग एक छोटा सा ब्रेक लेंगे क्योंकि उसके बाद वही सेम हम लोग रोड से जाने वाले हैं सैटेलाइट रिंग रोड कनेक्ट करने के लिए, जिससे हम लोग आए थे वो विलेज है। वहाँ पे अगर वॉशरूम या कुछ यूज़ करना हो ना तो रोक नहीं सकते, कोई ब्रेक नहीं ले सकते, वो ऑलमोस्ट 1 घंटे का स्ट्रेच है। तो बेटर है हम लोग पहले एक ब्रेक लेंगे,
ब्रेक लेने के बाद हम लोग निकलेंगे नंदी हिल्स के लिए, समवेयर नंदी हिल्स के आसपास ही हम लोग स्टे करने का प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ये सब क्रॉस करके केओस वाला उधर की साइड चले जाएंगे और फिर आराम से सुबह हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे हैदराबाद के लिए। तो अभी हम लोग ए टू बी में स्टे कर स्टॉप लेंगे शायद फिर से, या सरवना भवन में, वहाँ पर लेके आगे चलते हैं। ये है रास्ता जिससे हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, फाइनली उस रोड पे आ चुके हैं। हॉन्टेड है कि नहीं सच सच बताना। हम लोग ने यहाँ के एक होटल प्रेसिडेंसी पे चेक इन कर लिया है जो कि ओल्ड एयरपोर्ट रोड की तरफ ही है, सादे हली, और ऐसा है रूम, छोटा सा है बट ठीक है, आई मीन इट्स नॉट दैट बैड। एग्जीक्यूटिव रूम विद ब्रेकफास्ट हम लोगों को ये 3500 में पड़ा हुआ है, हमने भी चेंज कर लिया है अभी क्योंकि बहुत टायर्ड हो गए थे हम लोग। और बाथरूम नहा नहीं गया है, फ्रेशन अप हो रहा है, वो आएगा फिर हम लोग डिनर करेंगे। डिनर करके हम लोग ने लिया है, बारिश हो रही थी, बारिश ख़त्म हो चुकी है और इंडिया वापस से स्टार्ट करने जा रही है खेलना। मिलते हैं हम लोग अब कल और आगे हैदराबाद के ट्रिप की तरफ। भाई डिनर आ गया है क्योंकि आज हमने प्रॉपर लंच नहीं किया था, तो थोड़ा हैवी डिनर कर रहे हैं क्योंकि ज़बरदस्त भूख लगी है अभी। आलू पराठा, गोभी मंचूरियन, कढ़ाई पनीर, थोड़ा कर्ड है, थोड़ा अचार है और साथ में मैच है। तो हमारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है और अब मैं सपना देख रहा था ना कि एक तो सपना देख रहा था कि पता नहीं इंडिया पाकिस्तान, ये इंडिया इंग्लैंड मैच का क्या हुआ, और फिर देख रहा था कि 11:45 हो गए सीधे और ये लोग आके बोल रहे भाई रूम खाली करो दूसरे लोग वेट कर रहे हैं नीचे, अपनी गाड़ी पार्क्ड थी, देखे अभी है कि नहीं है, इधर कहीं होना है भाई है। एक तो ना ये टेंशन ज़रूर होती है कि साला इधर पार्क करो तो पता नहीं क्या हुआ, और इस लाइन में ना सिर्फ होटल ही होटल है, देखो एयरपोर्ट के पास वाले में बैंगलोर में ये भी एक अच्छा होटल लग रहा है, मॉक्सी, नाइस होटल। तो हम लोग यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए आ गए हैं, दिस वाज इंक्लूडेड इन आवर पैकेज। ब्रेकफास्ट में हम लोग ने ये सब लिया है, ये साबूदाना की खीर है, सांभर, ओलिहोरा, थोड़ा सा आलू का सब्जी है, पपाया, बड़ा, चटनी, आलू का पराठा और गोभी पराठा हमारे लिए आ रहा है। दे ऑल्सो हैव एन ऑप्शन लाइक छोले भटूरे, बॉयल्ड एग्स रखे हुए हैं एंड वाटरमेलन जूस। तभी ये 11 बजे 10:45 के अराउंड हम लोग ने चेकआउट कर लिया यहाँ से होटल से। ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था, हम लोग ने अच्छे से मस्त खाया, खा के पेट वेट भर के, तो कुछ ज्यादा ही अच्छे से खा लिया है अब लग रहा है भाई एक और रुक करके सोना पड़ेगा कहीं, एक घंटे है ना नाप ले लो। तो अब हम लोग ने अच्छे से ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकल चुके हैं, दिखा रहा है कि हम लोग पहुंचेंगे शाम को अराउंड 7:10 पे। 8 घंटे का रास्ता है बैंगलोर जहाँ पे हम लोग ने स्टे किया था वहाँ से हैदराबाद। हमारा स्टे एयरपोर्ट के एकदम पास था, सादे हली है, वहाँ पे हम लोगों ने स्टे लिया था आउटस्कर्ट ऑफ बैंगलोर इंटेंशनली, क्योंकि हम लोग को ट्रैफिक ऑलरेडी आउटर पे है सुबह निकल के अपना, इसीलिए हम लोग कृष्णागिरी के रास्ते से ही आए थे यहाँ पे, मतलब कृष्णागिरी से जो राइट कटता है मतलब नॉट ऑन NH 44 वो अंदर वो गाँव होकर एक छोटा सा हाईवे है। हम लोग मेनली नंदी हिल्स के पास ही रुके हुए थे कि बार बार निकल जाए, यहाँ से 8 घंटे फ्लैट है तो 8 घंटे में पहले एक बार डीजल हम लोग को भराना है वो लेते हैं और फिर आगे निकलते हैं। हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं जियो पेट्रोल पंप, यहाँ पे डीजल टैंक फिल कराने एक्चुअली, क्योंकि ऑलमोस्ट अभी 75 किलोमीटर्स की रेंज रह गई है सिर्फ, तो टैंक फिल करा के हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और साथ में DF लो लेवल का भी वार्निंग साइन आ गया है, तो DF हमारे घर पे रखा हुआ है, पूरा डिब्बा भरा हुआ रखा है, बट वही हम लोग लेके नहीं आए थे। तो अब यहाँ पे विपुल डलवाएगा DF, थोड़ा सा रिफिल थोड़ा सा बस करा लेंगे कि हम लोग पहुँच जाए, सिर्फ 450 किलोमीटर ही बचा है कवर करके, उसके बाद हम लोग घर जाके फिर वहाँ पे पेट्रोल पंप पे अच्छे से फिल करा लेंगे DF। तो उसमें क्या हुआ था कि मतलब हम लोग का ना फ्यूल रेंज काफी कम हो गया था पहले, मतलब 60 किलोमीटर का माइलेज मतलब रेंज दिखा रहा था, मतलब कि बहुत कम फ्यूल बचा था, ठीक है। तो फिर जब हम लोग यहाँ पे गए जियो के पेट्रोल पंप पे, तो वहाँ पे क्या हुआ कि उन्होंने भरा और 27 लीटर पे ऑटो कट हो गया, जबकि 50 लीटर का टैंक है तो मतलब कम से कम
40 प्लस भरना चाहिए था उसको और 27 पे ऑटो कट हो गया, तो पहले तो निकाल के हमने पेमेंट वेमेंट कर दिया, फिर जब रेंज देखा गाड़ी में हमको लगा कि हो सकता है वैसा होगा, मतलब रेंज बढ़ गया होगा। फुल टैंक अगर आप कराते हैं ना तो टाटा हैरियर में आपको, मतलब मैंने देखा है इस वाले में तो मतलब 672 का हाईवे पे दे देता है, 672 का माइलेज दे देता है। तो मैंने वही किया और फिर देखा तो देखा सिर्फ 400 का रेंज आ रहा है, तो मैंने बोला कि फिर से एक बार डाल फ्यूल, मतलब शायद वो एयर वेयर ले लिया होगा, उसके वजह से ऑटो कट हो गया था। तो फिर जब उसने दोबारा डाला ना, तो दोबारा डाला तो दोबारा वो टैंक खोल के थोड़ी देर उसने नोजल डाल के रखा, फिर उसने जब डाला तो फिर से मतलब 21 लीटर का फ्यूल आया, मतलब टोटल 48 लीटर का फ्यूल आया गाड़ी में, 723 का माइलेज। हाँ, और अब 723 का माइलेज दिखा रहा था वो, हालांकि ऑटो कट हुआ उसके बाद भी 20 पे हुआ, फिर 1 लीटर लगभग वो मतलब थोड़ा होता है ना कि आप डाल सकते हो ऊपर बिम, मतलब ऊपर तक, तो उसमें फिर प्रॉपर पुनः फुल ऊपर तक मैंने करवाया था, तो फिर जाकर के 723 किलोमीटर का माइलेज दिखाया था। एंड उसके बाद फिर हम लोग ने एयर प्रेशर चेक किया। अरे भाई, इसका एयर प्रेशर मशीन इतना खराब, एक में तो 91 दिखा रहा है भाई, 91 में तो अब तो फट जाता तो 91 नहीं, फिर उसमें वो चेंज, अभी मैं मतलब गाड़ी चलने में तो ठीक लग रही है, 40 उसने कर दिया, बट आगे जो भी मिलेगा डीएफ का भी वार्निंग आया मेरे को, तो वो भी भरवाना है, तो देखते हैं कहाँ पे मिलेगा, दोनों एक साथ फिर करवाते हैं, मतलब अभी नेक्स्ट जो भी मिलेगा ना वो फटाक चलोगे। एयर प्रेशर जरूर चेक कराना है पहले तो। ऐसे कैसे 91 97 दिखा रहा है एयर प्रेशर। सो अभी हम लोग एक और पंप पे रुके थे, एचपी में रुके थे ना, एचपी में रुके थे, वहां से सिर्फ 500 मीटर्स पे ही था, वहाँ पे हम लोग ने एयर प्रेशर चेक करा, डीएफ के लिए बेसिकली रुके थे, बट हम लोग के पास जैसे कि बताया कि ऑलरेडी एक बड़ा रखा हुआ है बॉक्स बकेट, हम लोग देख रहे हैं कि कोई छोटा बकेट मिल जाए, ये भारत पेट्रोलियम में आ रहे हैं, इस पर एक बार चेक कर लेंगे। तो डीएफ चेक कराया है, तो डीएफ का तो ये सीन है, और एयर प्रेशर चेक कराया है तो भाई इसका तो अलग ही था, वो 40-45 97 दिखा रहा था, यहाँ पे तो ऑलरेडी 35 के अराउंड ही है हमारे में, एक में 19 था प्रेशर, तो वो उसने बढ़ाया है, और वो 19 जो अभी है उसकी मशीन में 40 ऑलरेडी दिखा रहा था, तो भाई उसके कुछ तो उसमें पंगा है। यहाँ पे डीएफ पता करते हैं है कि नहीं है, है तो छोटा बकेट है रखा तो हुआ है डीएफ, सर डेफ डेफ डीएफ छोटा वाला नहीं है, छोटा छोटा स्मॉल बकेट है, स्मॉल इधर डालो साइड में लगा दूं राइट हां कपल ना डाल दो तो ये एडब्ल्यू का यहाँ पे प्रॉपर ऐसा ये मस्त है, मतलब इसमें जितना फिल करना पड़ेगा और मतलब प्रॉपर इससे एक्चुअल में ऐसा ही होना चाहिए, आपको इतना बड़ा बकेट लेके फिर पूरा जाता नहीं है, फिर वो वेस्ट होता है और एक्सपायर हो जाता है, तो आप दोबारा डलवा नहीं सकते हो, तो वेस्ट जाता है सब कुछ, पैसे भी वेस्ट चीजें भी वेस्ट। अभी डीएफ लेवल इतना दिख रहा है, काफी लो दिख रहा है, पीछे रिफिल हो रहा है, सो अभी एरो पे है एग्जैक्टली, अभी ये जब रिफिल हो रहा है तो आगे देखिए इंक्रीज भी हो रहा है, वो कलर रेड हो गया था, डीएफ का ना रेड हो गया था, अभी नॉर्मल हो गया, एरो को इंक्रीज भी के आगे जा रहा है। यहाँ देखो डेफ का है 65 रुपीस पर लीटर, सबसे बढ़िया सिस्टम, देखिए अभी ऑलमोस्ट फुल हो चुका है, एफ तक जब पहुंच जाएगा, एफ के ऊपर बगल में जो बार है वो जैसे ही टच करेगा तो हैदराबाद 467 किलोमीटर। सो ये भाग्यपल्ली का टोल है और कर्नाटका का लास्ट टोल है, अब हम लोग आंध्रा में एंटर करने जा रहे हैं, अभी जो लास्ट पेट्रोल पंप लास्ट के 3-4 जितने भी मिले ना, क्योंकि कर्नाटका और आंध्रा एंड तेलंगाना के प्राइस में 10 रुपये का पूरा डिफरेंस है डीजल और पेट्रोल का, तो सब लोग टैंक फुल करा रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग ने भी करा है, भाई 10 रुपये पूरे हैं, 600-800 रुपये बच रहे हैं, तो प्रॉब्लम क्या है, जहाँ पे बचे वहाँ बचाओ, जहाँ खर्च कर सको वहाँ करो। और हम लोग आंध्रा एंटर कर चुके हैं, मौसम एकदम ज़बरदस्त बाहर लग रहा है, बादल देखो कितना प्यारा लग रहा है, बारिश बस हो जाए यहाँ पे, मतलब अभी गर्मी नहीं है ओवरऑल, ठीक है, मतलब इट्स नॉर्मल वाला टेम्परेचर, आंध्रा में वरना यूजुअली क्रॉस करो तो बहुत गर्मी होती है, ये वाला स्ट्रेच होता है ना अनंतपुर तक का,
करनूल तक का बहुत गर्म होता है, बट हाँ आज गर्मी नहीं है फॉर सम रीज़न. मानसून है, ऑफकोर्स मानसून ही रीज़न है. ग्रीनरी भी है यहाँ पे, आते वक्त भी हम लोग ने देखा था कि हरा था, वही लास्ट टाइम की तरह. फेब के टाइम पे अगर देखो उधर के, हम लोग मोस्टली फेब में आते हैं इधर की तरफ, तो जब भी देखो मोस्टली यहाँ पे एकदम ड्राई रहता है, ये पेड़ पौधे दिखते ही नहीं है, सब सूखा सूखा रहता है. अभी के टाइम पे अच्छा वाला है. ये कोरियन सुपर मार्केट है और कोरियन सिटी है एक्चुअली. यहाँ पे किया मोटर्स का बहुत बड़ा है, तो सियोल स्टोर ये देखिए, कोरियन रेस्टोरेंट ऑल. हम लोग यहाँ पे एक बार जा चुके हैं. कोरियन फूड अगर आपको लेना है या कोरियन नूडल्स बहुत अच्छे होते हैं, पूरा ग्रोसरी आइटम्स ही है मतलब उनका प्रॉपर. आप लेके जा सकते हो कि यहाँ पे प्रॉपर एक कोरियन सिटी बसी हुई है अंदर, जो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोरियंस रहते हैं. ये देखिए कोरियन में ही लिखा हुआ है यहाँ भी. भाई ये ट्रक नहीं जा रहा है फाइनल डेस्टिनेशन वाला, साला उल्टा उसको खींच के ले जा रहा है ना. सच में ऐसा लग रहा है भाई. पहले तो अचानक से मैं लेफ्ट लिया था ये ट्रक से, ये क्या आ गया, देखिए लेफ्ट चल रहा है. अभी ड्राइव करते वक्त विपुल को नींद बहुत आ रही थी, तो सोचा एक चाय ब्रेक ले ले यहाँ पे, काफी सही लग रहा है. मंजीरा रेस्टोरेंट, चाय ब्रेक लेके कुछ खाओगे देखते हैं. कुछ खाने का ठीक ठाक हुआ तो खाएंगे. भूख मेरे तो भूख नहीं लग रही है, ब्रेकफास्ट बहुत हैवी था. अभी दोपहर के क्या 3 बज रहे हैं और बस 3 घंटे की और ड्राइव है, 3-3.5 घंटे और है एंड देन घर पहुंच जाएंगे हम लोग. कर चुके हैं, विपुल ने मस्त खाना खा के, जो खाने में खाया भी था भाई साहब ने बिरयानी एंड चिकन 65 वो खाया था. खा के 15-20 मिनट का अच्छे से नाप लिया, अभी जो हमने आपको कैप्चर कराया था सबूत भी दिखा दिया गया क्या? एक छोटा सा क्लिप डाला था, बहुत धीरे धीरे से बोला था, आपको सुनाई नहीं दिया था, तो आई डोंट नो वो कितना फर्स्ट टाइम ऑडिबल होगा. मतलब मैं सो पाया वैसे, कभी पावर नैप लेता था तो उतना सक्सेसफुल नहीं होता था, मतलब हमेशा गाड़ियों की आवाज या कुछ भी रहेगा तो नहीं हो पाता था. इस बार फर्स्ट टाइम मतलब पता नहीं, अच्छा नींद भी बहुत अच्छी थी और वहाँ पे हाईवे में कोई ट्रैफिक ना था नहीं, तो डिस्टर्बिंग एलिमेंट कम थे, सो गया था मैं शांति से. सोया उठे, अभी हम लोग निकल चुके हैं, करनूल भी क्रॉस कर लिया और देखते हैं अभी कोई चाय पॉइंट, क्योंकि मेरे भी नींद आ रही है. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर विपुल सो रहा है तो हम सो नहीं पाते टाइम पे. मेरे तो रास्ते में ऐसे वैसे भी नींद नहीं आ पाएगी, कुछ भी हो जाए आँख खुली रहेगी मेरी. तो चाय पॉइंट देखेंगे फिर चाय पीते हैं. और घर पहुँचने में हम लोगों को हैदराबाद पहुँचने में 3.5 घंटे और है. 8 बजे एस्टिमेशन दिखा रहा है, आई थिंक 8 बजे तक पहुँच भी जाएंगे, 8 नहीं तो 8:30 तक मैक्सिमम टी ब्रेक लेंगे तो आधा घंटा. हाँ और कल का मैच तो इंडिया जीत गई थी, अब कल फिर क्या होगा वो हम लोग को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है इसलिए. और हम लोग निकल चुके हैं कि हाँ घर जाके हम लोग मैच देखेंगे. अदरवाइज हमारा प्लान था कोयम्बटूर में आदि योगी द सोर्स ऑफ योगा वहाँ पे भी जाने का, और एक रात स्टे करने का प्लान था कोयम्बटूर का भी, क्योंकि कैंसिल हो गया. फिर कभी जाएंगे, इफ नॉट कोयम्बटूर तो चिकबल्लापुर में भी सेम है, तो दो में से एक में किसी में भी जा सकते हैं. इवेंट्स के टाइम पे जाना थोड़ा इसलिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि बहुत मुश्किल होता है बुकिंग, और वो अच्छे से बहुत एडवांस में प्लानिंग करनी होती है, और हम लोग ऐसे लोग हैं नहीं कि इतना ज़्यादा प्लान करके चले, जब मन करता है तब उठ के चल देते हैं. फाइनली अब ब्रेक, चाय का एक ब्रेक लिया हम लोगों ने फूड पिरामिड पे, हमारा मोस्ट कॉमन स्टॉप इन NH44. यहाँ पे चाय तो पीना बनता है, चाय पियेंगे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और फिर चलेंगे. यहाँ से हैदराबाद सिर्फ 2 घंटे का रास्ते पे है. कॉफ़ी का वेट करते करते मैंने आलू भाजी ऑर्डर कर दिया था. मैंने पूछा था उससे कितना रहेगा, तो बोला सर 5 ही रहेगा. इतना सारे इतने सारे आ गए भैया, कोई नहीं थोड़ा खाएंगे थोड़ा पार्सल. ये भी पार्सल.
पान के इतने सारे बेनिफिट्स थे ये आज हमें पता चल रहा है. इट इज़ गुड फॉर डायबिटीज, एंटी कैंसर एजेंट, हेल्प्स विद डिप्रेशन, लोअर योर कोलेस्ट्रॉल, हेल्प विद अस्थमा, वाओ, प्रोटेक्ट योर गैस्ट्रिक सिस्टम एंड इट इम्प्रूव्स योर ओरल हेल्थ. इसी बात पे हम लोग खाएंगे एक एक पान, मीठा पान. फूड पिरामिड पान शॉप में पान लेने आए हम लोग. ये पूरा भयंकर वाला यार, एक तो वन साइडेड गेम कर दिया उधर लेफ्ट साइड, देखो लेफ्ट साइड रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा है NH44 और रिपेयर वर्क चल रहा है एक्चुअली, और राइट साइड में वन लाइन कर दिया है, पूरा दूर तक वो पूरा ट्रक जा रहा है यार. ये जितना स्पीड तुम मेंटेन करो ना, ये सब आकर के सब बराबर है, सब बराबर है, गुड़ गोबर, गुड़ गोबर हो जाता है. वो दूर पे आप देख रहे हो ये, अभी दो दिन इतना बारिश झेल के आया ना कि अब ये सब बारिश हो गया भाई, और बारिश कितनी ज्यादा बारिश हो रही है वहाँ पे देख के पता चल रहा है, नीचे तक बारिश दिख रही है. ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं और एक मिनट का रास्ता है, हम लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, फिर देखेंगे कुछ खाने वाने का क्या करते हैं. आई थिंक बनाएंगे कुछ खिचड़ी वगैरह कुछ बना के खाएंगे, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, 8:20 हुआ है, सो वी हैव इनफ टाइम. सो प्लीज़ अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है, प्लीज़ उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, हम लोग को और मोटिवेशन मिलेगा टू ट्रैवल ऐसी जगहों पर, और हम लोग और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोज़ डाल पाएंगे. बाय, गुड नाइट.